नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। हमारा आज का विषय है जल प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नदी जल प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि प्रदूषण मुक्त जल नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसको सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक दायित्व। और अब आइए प्रमुख बिंदुओं पर डालते हैं एक नज़र। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में नदी जल प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी शुरुआत यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने से किया गया, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड की हरियाणा से आ रहे पानी में प्रदूषण की बार बार शिकायत आ रही थी। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड बार बार यह शिकायत कर रहा था कि हरियाणा से यमुना नदी में खतरनाक प्रदूषित तत्वों वाला जल छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना नदी के जल में अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब इसमें क्लोरीन का मिश्रण किया जाता है तो कार्सिनोजेनिक बन जाता है, जो कैंसर जैसे प्राणघातक बीमारियों को जन्म देता है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 राज्यों, केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय के इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े, AS बोपन्ना और B रामा सुब्रमण्यम शामिल हैं। अब आइए जानते हैं कोर्ट ने इस संदर्भ में क्या कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदूषण मुक्त जल और साफ पर्यावरण नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। इसके अलावा इस अनुच्छेद में गरिमा के साथ जीवन जीने का भी अधिकार शामिल किया गया है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की और भी उदारपूर्ण व्याख्या करते हुए इसमें प्रदूषक मुक्त जल को भी शामिल कर लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 47 और 48 में जन स्वास्थ्य ठीक करना और पर्यावरण संरक्षित करना राज्यों का दायित्व होता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करें और इसमें सुधार करें। और अब अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं अनुच्छेद 21 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या वैयक्तिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। और अब प्रमुख वादों पर एक नज़र। A गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। गोपालन के मामले में प्रारंभ में न्यायालय ने जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण किया था, अर्थात जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अर्थ जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की शरीर से संबंधित स्वतंत्रता के रूप में ही लिया गया था। इसके आगे मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में मेनका गांधी के मामले में अपने निर्णय के अंतर्गत न्यायालय ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या अनुच्छेद 19 और अन्य मूल अधिकारों के साथ साथ कुछ हद तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में भी किया था। और माननीय न्यायालय ने कहा कि जीवन का अर्थ केवल शारीरिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि उसके आगे शोषण मुक्त मानवीय गरिमा से जीना है। अतः जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है और इसमें वे सारे अधिकार शामिल हैं जो गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, जैसे एकांतता का अधिकार, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, शीघ्र सुनवाई का अधिकार। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में प्रदूषण मुक्त वायु एवं जल के उपयोग का अधिकार। मुरली देवरा बनाम भारत संघ के वाद में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का निषेध। पुलिस संरक्षण में मृत्यु के विरुद्ध अधिकार। मेनका गांधी व सतवंत सिंह बनाम पासपोर्ट अधिकारी के वाद में विदेश यात्रा का अधिकार। जीविकोपार्जन का अधिकार। सड़क पर व्यापार करने का अधिकार।
आहार पाने का अधिकार यूपीसीएन बनाम भारत संघ 2000 में यह प्रावधान किया गया। इसमें कहा गया, जो भूख से पीड़ित हैं और भोजन सामग्री खरीदने में सक्षम नहीं हैं, अनुच्छेद 21 के तहत राज्य से आहार पाने का मूल अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, यह प्रावधान परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 सरकारी व प्राइवेट चिकित्सालय दोनों में शीघ्रातिशीघ्र प्राण की रक्षा करें, पुलिस कार्रवाई किए बिना इसका पालन करना अनिवार्य होता है। कार्यकारी महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के वाद में यह प्रावधान किया गया। इसके अलावा आश्रय का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, बधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार और सरकारी अस्पतालों में समय पर इलाज का अधिकार। फिलहाल आज के दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। यह महत्वपूर्ण लेख आपके लिए लिखा था अजीत सिंह ने। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमको ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आपकी मुलाकात कल फिर इसी समय इसी चैनल पर होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।